नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें हम एसीलरेशन इन स्मॉल जी का वेरिएशन देखेंगे, कहां कहां पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाएंगे आप, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये वेरिएबल है। तो स्मॉल जी एक तो चेंज होती है ये ड्यू टू हाइट, हाइट पर और डेप्थ पर। जैसे अर्थ के हम जाए डेप्थ में जाए, ठीक है, रेडियस चेंज हो रही। जब रेडियस चेंज हो रही आप देखें यहां से जी इक्वल क्या होगा, फार्मूला जी एम टी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी प्रोपोर्शनल किसके है, आर ई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर। तो अगर आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ अगर चेंज हो रहा है तो स्मॉल जी में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा डेप्थ में चेंज होगा, अर्थ की डेप्थ में जाएंगे तो इसमें चेंज हमें दो तीन देखने। वैसे इस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ओनली जो डेरिवेशन हम करेंगे तो वेरिएशन ड्यू टू हाइट और वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। हालांकि वेरिएशन होता है रोटेशन ऑफ अर्थ से भी होता है, ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तब भी वेरिएशन होता है स्मॉल जी में, ठीक है। और अर्थ का शेप में भी, जैसे अर्थ है हमारे पास, अर्थ बिल्कुल क्या है, स्फेरिकल तो है नहीं, ठीक है। अर्थ का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो रेडियस बताओ, यहां सपोज करो रेडियस आर ई, यही तो रेडियस होगी, यस। तो ये पोल्स है, ये क्या है, पोल्स, और ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा कि पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्यों, क्योंकि सपोज करो यहाँ पर रोड तो इसकी वैल्यू होती है 1756 और 12 इसकी जो होती है रेडियस इक्वेटर पर, ठीक है, अबाउट रहेगी इसकी होनी चाहिए कम, रेडियस अगर कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, हाँ चलिए 56 यहाँ रहती है 40 अबाउट ये रहती होती है, ठीक है, इन ज्योग्राफी में होगी मोस्टली, ठीक है। मैंने लिखवा दिया है जो रेडियस होती है पोल्स की अबाउट 12756 किलोमीटर, नेक्स्ट क्या है आपकी रेडियस पोल्स की, ये रेडियस देख रहे हो आप, सेफ से ही देखो रेडियस ये कम है, रेडियस अगर कम होगी तो आपकी जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोल्स पर इसीलिए जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यहाँ देख रहे हो रेडियस थोड़ा बहुत डिफरेंस कम होता है, अबाउट डिफरेंस होता है ये 42 किलोमीटर के आसपास दोनों, ठीक है, क्योंकि तो जो शेप है अर्थ का वो बिल्कुल क्या है, स्फेरिकल नहीं है, मतलब इस तरह से सर्किल हो तो उसकी रेडियस सिमिलर ही रहेगी, ठीक है। वेरिएशन हेडिंग कर लो, वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ऑफ एसीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें फर्स्ट डालेंगे आप वेरिएशन ड्यू टू हाइट, हाइट डाल दी या एल्टीट्यूड भी डाल सकते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड या सफिक्स में लिख लेना और ऑब्लिक में हाइट, ठीक है। नाउ आप लिख रहा है डायग्राम, सपोज दैट दिस इज द अर्थ, क्या है अर्थ, ये सेंटर है अर्थ का, ये रेडियस है अर्थ की, और इस अर्थ का मास क्या है हमारे पास एम ई, और एक बॉडी है हमारे पास एम, ठीक है, और इसकी हाइट क्या है यहां से एच, टोटल हाइट क्या होगी यहां से यहां तक, एच प्लस या आर ई प्लस एच, क्या होगी आर ई प्लस एच, ठीक है। अब सरफेस पर नाउ वी हैव डायरेक्ट कर रही हूं, नाउ वी हैव द रिलेशन, द रिलेशन स्मॉल जी इक्वल जी एम पी अपॉन आर।
पर रहता है। सपोज करो ये सरफेस पर जी की वैल्यू है, किस पर? सरफेस पर, और यहाँ जी की वैल्यू क्या है? चेंज हो जाएगी, तो उसे हम कह दिए जी वैल्यू। ठीक है, तो रिलेशन ये होता है। ठीक, अब जी की वैल्यू कहाँ निकालेंगे आप? यहाँ, तो जी डैश, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी एम ई अपॉन, अब रेडियस देखो, रेडियस क्या होगी? टोटल रेडियस आर ई प्लस एस डिवाइडिंग टू बाई वन, डिवाइड कर दो टू को वन से, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, जी एम ई से लिए एम ई कैंसिल, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई लेवल नीचे से कॉमन, कॉमन जैसे ही लेंगे तो वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई से आर ई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल क्या है? वन प्लस एच अपॉन आर ई, तो इसे ले जाए हम ऊपर, वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर है बट ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम आप क्या करना है, माइनस टू को सिर्फ यही रख दो सीधे लाकर, वन माइनस टू एच अपॉन आर ई। अब यहां से देखो जी डैश इक्वल जी वन माइनस टू एच अपॉन आर ई, तो ये रिलेशन है। ठीक है, माइनस, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, जैसे वन प्लस एक्स का पावर क्या है, एन, यही तो है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है वन प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना ये होता किससे है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम लिख देना, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि इसमें भी उस तरह का सिस्टम चलेगा, जैसे एन सी जीरो, यहाँ टर्म जो मैंने लगाया सर मैंने, वहाँ एन सी जीरो चलता है। ठीक है, फिर फैक्टोरियल नहीं लगेगा बट, क्योंकि इस तरह से रहता है, जैसे वन प्लस एन सी वन प्लस एक्स की पावर एन है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो एन सी जीरो एक्स का पावर एन, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता है, और एन सी आर एन दोस्तों, इसे कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, देख रहे हो कितना ज्यादा सिस्टम है आगे एक्सपेंडेशन में। तो मैथ्स के हो, अगर मैथ्स आपने पढ़ रखी है तो समझ सकते हो, नहीं तो सिर्फ एक ये टर्म में आप याद करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, यानी माइनस टू है एज इट वैसी रखो। अब यहाँ से देखो आप, अगर हाइट सपोज करो ऊपर जा रहे हैं आप, हाइट में चेंज करेंगे क्या जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कम होगी ज्यादा? कम होगी। सपोज करो 9.8 रहती है हमारी जी की वैल्यू, अब हाइट इसे भूल जाओगी, सपोज करो हाइट क्या रही हमारे पास 1 रहे, तो माइनस में हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। ठीक है,